अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं फोन वर्ल्ड। आज मैं रिव्यू करूंगी, मेरे पास है सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा। नाम बहुत बड़ा है लेकिन इसका काम भी बहुत बड़ा है। इसकी जो प्राइस है वो है पाकिस्तानी रुपीस ऑलमोस्ट आपको 2,20,000 के प्राइस रेंज में मिलेगा। तो अगर आपके पास इतना बजट है तो यकीन करें इस डिवाइस को ज़रूर लें। है तो काफ़ी महंगा लेकिन इसके स्पेसिफिकेशन को देखते हुए, इसको जितना मैंने यूज़ किया है तो मुझे लगता है कि अगर आप 2,19,000 रुपये खर्च भी कर रहे हैं इस फ़ोन पे तो आप एटलीस्ट डिसअपॉइंट नहीं होंगे। इसका एस पेन को काफ़ी इम्प्रूव कर दिया गया है, बेशुमार इसमें फ़ीचर्स हैं, बहुत ही रिस्पॉन्सिव है इसका एस पेन। इसकी जो लेटेंसी है वो सिर्फ 9 मिलीसेकंड्स है, जो कि अब तक आपको इससे पहले नोट सीरीज़ में एस पेन में नहीं मिली। बहुत स्पीड है इसकी, बहुत फास्ट है। और इसमें एक और चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, जब आप इस पर लिख रहे होते हैं किसी भी नोट पर तो बिल्कुल ऐसा फील होता है आप किसी कागज़ पर लिख रहे हैं। तो इस पेन में काफ़ी ख़ास बात है, ये है तो छोटा सा लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। ये एस पेन नहीं है बल्कि ये एक मैजिक है, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको आगे बताने वाली हूँ कि इस पेन से आप क्या क्या कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले इसके डिज़ाइन, लुक्स एंड बॉडी की बात करते हैं। तो जहाँ तक नोट 20 अल्ट्रा की बात है तो काफ़ी खूबसूरत स्टाइलिश इसकी लुक्स हैं, क्योंकि ये आपको बहुत ही अमेजिंग स्पेसिफिकेशन के साथ साथ बहुत ही अमेजिंग डिज़ाइन भी दे रहा है। स्पेशली इसका जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी है वो मुझे बहुत पसंद आई। लाइक अगर आप बहुत अच्छा एक्सपीरियंस चाहते हैं किसी भी फ्लैगशिप फ़ोन में नोट सीरीज़ में, तो 100% ये आपको वो परफॉर्मेंस देगा जो भी नोट लवर्स हैं जो कि ऑलरेडी सैमसंग की नोट सीरीज़ यूज़ करते हैं। गैलेक्सी नोट 20 आपको दो वेरिएंट्स में मिलेगा, एक गैलेक्सी नोट 20 एंड एक गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा। इसमें एक 5G वेरिएंट भी है, ऑफ कोर्स वो तो पाकिस्तान में काम ही नहीं करता तो वो यहाँ पे नहीं आया। बाकी कुछ ऐसी चीज़ें हैं लाइक स्पेसिफिकेशन वाइज बहुत ही माइनर से डिफरेंसेस हैं। लाइक अगर आप नोट 20 यूज़ कर रहे हैं या अगर आप नोट 20 अल्ट्रा लेना चाहते हैं तो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं हैं। तो अगर आप इसके बैक पैनल की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको मिलते हैं इसके ट्रिपल कैमरा। तो कैमरा इसके कमाल के हैं। इसका जो मेन प्राइमरी कैमरा लेंस है वो है 108 मेगापिक्सल का, और पिक्चर्स भी मैंने कुछ ली हैं, उसके सैंपल्स मैं आपको दिखा दूंगी। इसके साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि हम एक डिटेल में इसका कैमरा रिव्यू करेंगे, तो मैं इस वीडियो में बहुत थोड़ा थोड़ा से आपको बताऊँगी ताकि आपको आइडिया हो जाए। इसके अलावा गेमिंग और इसका जो कैमरा है, कैमरा टेस्ट, वो हम एक अलग सी वीडियो बनाएंगे ताकि डिटेल में पता चल जाए, क्योंकि जितनी बड़ी डिवाइस होती है उतना ही बड़ा काम होता है, तो एक ही वीडियो में इतना कुछ कवर नहीं हो सकता। वेल, हम बात करते हैं इसके डिज़ाइन की। तो यहाँ पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल रहा है, बम्प ज़रा ज़्यादा उठा हुआ है। लाइक इससे पहले जितने आपने नोट सीरीज़ देखे हैं उसमें कैमरा बम्प जो है वो इतना ज़्यादा उठा हुआ नहीं होता, या इतना बड़ा सा साइज़ नहीं दिया होता जितना जो आपका कैमरा मॉड्यूल होता है, तो इसका साइज़ मुझे थोड़ा बड़ा लग रहा है। बाकी आपको ये कटिंग एज टेक्नोलॉजी के साथ मिल रही है, जो कि इसकी फ़ोन की खूबसूरती में मज़ीद इजाफा करती है। बॉटम पे आपको मिलते हैं इसका टाइप सी की पोर्ट, आपको मिलते हैं लाउड स्पीकर, और इसके लाउड स्पीकर की जो ऑडियो है वो बहुत ही अच्छी है, बहुत लाउड है, बहुत स्मूथ है, क्योंकि इसमें डॉल्बी एटमॉस यूज़ किया गया है। तो उसकी जो साउंड है आपको ऐसे फील नहीं होता कि आप किसी फ़ोन में सुन रहे हैं, बल्कि आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी लाउड स्पीकर में सुन रहे हैं। तो काफ़ी क्लियर और अच्छी इसकी ऑडियो है। और आपको मिलता है यहाँ पर लेफ्ट साइड पे इसका एस पेन, एंड इसके साथ बिल्कुल टॉप पे आपको मिलती है इसकी सिम ट्रे। और मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि ये जो वेरिएंट है ये है 8GB ऑफ रैम, 256GB इंटरनल स्टोरेज के साथ, तो आप अपनी मेमोरी को एक्सपेंड करने का ऑप्शन भी है तो वो भी कर सकते हैं। आपको मिलता है राइट साइड पे पावर बटन वॉल्यूम की, और इसका पावर बटन एज अ बिक्सबी बटन के तौर पे भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर डिस्प्ले की बात करते हैं, तो डिस्प्ले का एक्सपीरियंस मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा रहा मेरा एक्सपीरियंस। एक तो इसमें आपको मिलता है 120Hz का रिफ्रेश रेट, जो कि बहुत ही एक स्मूथ आपको डिस्प्ले प्रोवाइड करता है। इसके साथ आपको अल्ट्रा व्यूइंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा देता है। यह है 6.9 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले, इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले आपको दिया गया है, जो कि एच डिस्प्लेज आपको दिया गया है। तो डिस्प्ले की परफॉर्मेंस मुझे काफ़ी पसंद आई। बाकी अगर आप इसके स्पंज होल को हाइड भी करना चाहते हैं तो वो भी इसकी सेटिंग में मौजूद हैं, अगर आप उससे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। वैसे है इतना छोटा सा ये कि आप नहीं होंगे। तो ये फ्लैट से जो डिस्प्ले है ये काफ़ी खूबसूरत है, तो इसके जो एजेस हैं इसमें अगर आप कोई वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो देखने का बहुत मज़ा आता है, क्योंकि आप इस फ़ोन को एज अ कंप्यूटर भी यूज़ कर सकते हैं। आप अपने स्मार्ट टीवी से इसको डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें डेक्स मौजूद है, तो डेक्स के थ्रू आप अपने फ़ोन को कंप्यूटर भी बना सकते हैं, तो उसका एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा। तो अब बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस की। इसमें आपको जो OS मिलता है वो सैमसंग का ही One UI, लेकिन इसको अपग्रेड किया गया है। लाइक इसमें बिल्कुल लेटेस्ट दिया गया है One UI 2.5, जिसकी परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर मुझे लगी। इसमें एनिमेशन बहुत अच्छी हैं, इसका टच बहुत ज़बरदस्त है, इसका UI बहुत अच्छा
अच्छा मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा जो कि बेस्ड है एंड्रॉयड 10 पे। बाकी इसमें प्रोसेसर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो इसमें आपको मिलता है एक्जिनोस 990 एंड इसमें आपको मैं आपको बता चुकी हूँ कि 8 GB ऑफ रैम 256 GB इंटरनल स्टोरेज। तो ये इसकी परफॉर्मेंस की बात है, परफॉर्मेंस तो नो डाउट आउट क्लास है इसकी। पेन से रिलेटेड भी बात करूँ तो इसका जो एस पेन है वो बहुत ही फास्ट, बहुत एक्टिव, बहुत रिस्पॉन्सिव है। तो ये जो एस पेन है इसका एक्सपीरियंस मुझे काफ़ी पसंद आया क्योंकि एक तो बहुत ही स्मूथ, अगर आप कोई राइटिंग कर रहे हैं किसी भी नोट पे, कोई चीज़ ड्रॉ कर रहे हैं, इसके साथ आप इसको एज अ रिमोट कंट्रोल के तौर पे भी काम कर सकते हैं। लाइक कैमरा के लिए, अगर आप इस रेयर कैमरा के लिए यूज़ कर रहे हैं, आप फ्रंट कैमरा के लिए यूज़ कर रहे हैं तो आप इस पेन को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप डबल टैप करेंगे तो ये सेल्फी कैमरा हो जाएगा और सिंगल टैप से आपका रेयर कैमरा हो जाएगा। बाकी अगर इसको बहुत ज़्यादा बार बार प्रेस करेंगे तो जैसे आपको मिलती है मल्टीपल पिक्चर्स आप ले सकते हैं। इसके इस पेन में काफ़ी सारे फीचर्स हैं, लाइक आप इसको फॉर म्यूज़िक भी यूज़ कर सकते हैं, नेक्स्ट कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं। अगर आप इसके कॉर्नर पे देखें तो यहाँ पर आपको मिल रहा है इसका आइकन और सबसे टॉप पे आपको इसकी बैटरी मिल रही है। लाइक इसमें अभी भी 100% है और मैंने इसको बहुत यूज़ किया है तो ये जो है फ़ोन में ही चार्ज होता रहता है तो आपका एस पेन की बैटरी भी काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। अच्छा जी, इसमें और फीचर्स हैं लाइक क्रिएट नोट, व्यू ऑल नोट्स, आप इसमें नोट्स क्रिएट कर सकते हैं और जो आप नोट्स ऑलरेडी सेव करते हैं अपने फ़ोन में तो वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे स्मार्ट सेलेक्ट है, ये मुझे काफ़ी पसंद है। अगर आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर कोई भी आप जिफ क्रिएट करना चाहते हैं किसी वीडियो में से लेकर, अगर आप जा रहे हैं किसी वीडियो की तरफ और वहाँ पर आप जिफ बनाना चाह रहे हैं छोटा सा, तो वो आप क्रिएट करके किसी को भी सेंड कर सकते हैं लाइक डिफरेंट सोशल प्लेटफॉर्म पे, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक। और इसके अलावा भी आप टाइनी सी टाइनी डिटेल्स को भी सेलेक्ट करके शेयर कर सकते हैं जो कि उमूमन स्मार्टफोन्स में नहीं होता इजी और फिंगर से तो आप कर ही नहीं सकते। तो इस एस पेन में काफ़ी सारी चीज़ें हैं और इसके अलावा यहाँ पे आपको स्क्रीन राइट मिलता है तो स्क्रीन राइट स्क्रीन जब ऑफ होती है और उसके ऊपर भी आप राइटिंग कर सकते हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल बाहर शॉपिंग पे जा रहे हैं और आपको चीज़ याद नहीं रहती हो, आपको ऑलरेडी स्क्रीन के ऊपर जो है वो चीज़ लिखी हुई होगी, मेंशन होगी तो आपको याद रहेगा। यहाँ पर लाइव मैसेज है तो ये लाइव मैसेज का ऑप्शन मुझे काफ़ी पसंद है क्योंकि आप यहाँ पर कुछ भी लिख के, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर लिखती हूँ आई लव एस पेन, तो इसमें डिफरेंट एनिमेशंस आप बना सकते हैं और आप इसको डायरेक्ट सेंड कर सकते हैं जो काफ़ी खूबसूरत लगता है। तो कहने का मकसद ये है कि इसमें इतना अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। बाकी यहाँ पर आपको AR डूडल मिलता है, आप अपनी ही सेल्फी पे, अपनी ही पिक्चर पे, ये थोड़ा फ़न के लिए हो गया फीचर लेकिन हो सकता है। इसमें एक ट्रांसलेट का जो है एक और फीचर है जो कि मुझे काफ़ी पसंद आया। तो अगर आप कोई आपको डिफरेंट लैंग्वेज नज़र आ रही है और आप इसको ट्रांसलेट करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली आपका इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देगा अगर आप उसको सेलेक्ट करेंगे कोई भी लाइन, कोई भी सेंटेंस। ओके, यहाँ पर एक मैग्नीफाई का जो है वो एक और ऑप्शन आपको मिल रहा है। तो ये मैग्नीफाई ऑप्शन मुझे काफ़ी पसंद आया कि अगर आप किसी फॉर एग्जांपल अक्सर इंस्टा के स्टोरीज़ में कोई इस तरह की पिक्चर्स होती हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर नज़र नहीं आती, लेकिन अगर इस मैग्नीफाई के साथ आप उसको देखेंगे तो आपको बहुत ही छोटी से छोटी डिटेल्स भी नज़र आएंगी। और इसके साथ यहाँ पर ऐड शॉर्टकट है तो आप अपनी मर्ज़ी से डिफरेंट ऐप्स को यहाँ पर जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो एस पेन में काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। इसके अलावा ये एयर जेस्चर के तौर पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपका मूड नहीं हो रहा कि आप अपने स्मार्टफोन की स्क्रीन को टच करके होम पे जाएं, रिसेंट पे जाएं या अप एंड डाउन पे जाएं, तो आप इसको एज अ जेस्चर के तौर पे भी काम कर सकते हैं। लाइक अगर आप इसको करेंगे इस एरो की तरफ तो ये होम पे जाएगा, आपने बटन को प्रेस रखना है, इसके स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, आप इसको अप एंड डाउन कर सकते हैं, रीसेंट की तरफ जा सकते हैं, जो भी रीसेंट ऐप्स हैं आपकी जो आपने यूज़ की हैं। तो ये एस पेन नहीं, ये एक मैजिक है। ओके, तो अब बात करते हैं हम इसके कैमरा पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल रहा है, आपको मेन कैमरा मिल रहा है 108 मेगापिक्सल का जिसमें काफ़ी सारे फीचर्स हैं, लेज़र के तौर पर भी काम कर सकते हैं आप, पिक्चर्स की क्वालिटी एकदम आउट क्लास है, बहुत ज़बरदस्त है, पिक्चर्स बहुत ही अच्छी आई, बहुत डिटेलिंग मुझे नज़र आई। सैम्पल स्टोरी बहुत मैंने लिए हैं तो आप देख लें। कैमरा की जो डिटेल रिव्यू है वो हम एक अलग सी वीडियो बनाएंगे ताकि आपको अच्छे से आइडिया हो जाए, तमाम डिटेल्स आपको उसमें बताएंगे। बाकी 8K वीडियो तक ये रिकॉर्ड कर सकता है, इसमें ये ऑप्शन मौजूद है।
सेल्फी कैमरा दिया गया है वो 10 मेगापिक्सल का दिया गया है, तो उसकी भी तमाम डिटेल्स हम अपने रिव्यू में चेक करेंगे। वेल पिक्चर जो है वो काफ़ी स्मूथ थी, मुझे काफ़ी अच्छी लगी, पिक्चर की क्वालिटी एकदम आउट क्लास है क्योंकि नोट सीरीज़ के कैमरास वैसे ही मुझे बहुत पसंद हैं। अच्छा जी, अब बात करते हैं कुछ इसकी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें आपको अंडर द डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल रहा है जिसकी स्पीड अच्छी है, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छी मुझे इसकी जो फेशियल रिकग्निशन है उसका मुझे बहुत पसंद आया। तो फेस अनलॉक की स्पीड काफ़ी अच्छी है एज़ कम्पेयर टू फिंगरप्रिंट। अब बात करते हैं कुछ इसके बैटरी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे आपको मिलती है 4500 mAh की बैटरी लेकिन विद 25W फास्ट चार्ज। तो इसमें फास्ट चार्ज भी मौजूद है, बैटरी भी अच्छी है। वैसे मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि जितने भी फ्लैगशिप डिवाइसेज होती हैं उसमें बैटरी इतनी ज़्यादा नहीं दी जाती, उसकी जो बैकअप है वो भी काफ़ी अच्छा होगा। तो सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा सिर्फ स्मार्टफोन नहीं है बल्कि ये एक कंप्यूटर भी है, एक पूरा कंप्यूटर आपके हाथ में है। स्टार्टिंग में जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें सैमसंग डेक्स मौजूद है जो कि आप अगर अपने स्मार्ट टीवी से कनेक्ट करेंगे जो कि बहुत ही क्विकली जस्ट आपने टैप करना है, जैसे कि आपको इसमें सैमसंग डेक्स दिया गया है आपने उसको एक्टिव करना है तो ये आपके स्मार्ट टीवी के साथ कनेक्ट हो जाएगा और आप इसको बिल्कुल ऐसे यूज़ कर सकते हैं जैसे कि आप अपने लैपटॉप को यूज़ करते हैं। तो सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा के बारे में आपकी क्या राय है, आपको कैसा लगा ये फ़ोन? मुझे काफ़ी पसंद आया क्योंकि मैं इसको कुछ दिन यूज़ कर रही थी तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। जहाँ तक परफॉर्मेंस की बात है तो परफॉर्मेंस भी इसकी ज़बरदस्त है, डिस्प्ले की क्वालिटी बहुत अच्छी है। इसके कैमरा से रिलेटेड वैसे भी हम लोगों ने एक वीडियो बनानी है लेकिन कैमरा जितना मैंने यूज़ किया है तो मुझे काफ़ी पसंद आया। बाकी जो डिवाइस है बड़ी है साइज़ की, लाइक 6.9 इंच का ये डिस्प्ले है लेकिन ये बहुत ज़्यादा हैवी नहीं लग रही जैसे कि होनी चाहिए क्योंकि इसका बोथ साइड पे जो है वो ग्लास यूज़ किया गया है तो उसके वजह से ज़्यादातर स्मार्टफोन जो है वो हैवी होते हैं। और सबसे मज़े की बात कि इसमें प्रोटेक्शन के लिए जो आपको ग्लास दिया गया है वो तो है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास लेकिन विक्टस यूज़ किया गया है, विक्टस टेक्नोलॉजी एंड HDR10+ की इसमें आपको मिल रही है टेक्नोलॉजी और इसके साथ 120Hz का रिफ्रेश रेट। तो डिस्प्ले का एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा रहा। ओवरऑल जो है डिवाइस की परफॉर्मेंस, लुक्स, इसकी डिज़ाइन, इसकी परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, बैटरी पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम मस्त है। पूरा एक फुल पैकेज आपको मिल रहा है 2,20,000 रुपये में। तो आप बताएं आपका क्या ख्याल है सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा के बारे में, अपने कमेंट से मुझे आगाह कीजिएगा। और हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारा चैनल कर सकते हैं सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।